हेलो फ्रेंड, हम यहाँ पे बात करेंगे रियलमी 7i जिसका चार्ट नेटवर्क सेक्शन काम नहीं कर रहा है। तो हम उसको किस तरह से रिपेयर करने वाले हैं। तो यहाँ पे जो मैं आपको इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ वो एक बोर्नियो की इन्फॉर्मेशन है और हम एक आपको पीसीबी की इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। तो यहाँ पे जो हमारी मेन PMI IC है, यहाँ से हमारा एक VPH पावर यानी इस कोयल के थ्रू एक VPH पावर बन रहा है, यानी कि यहाँ एक कैपेसिटर डायवर्ट लगा हुआ है और यहाँ पे एक कैपेसिटर है। तो यहाँ पे पैरेलल में हमारा कैपेसिटर लगा हुआ है, यानी कि यहाँ एक पैरेलल में कैपेसिटर है। यहाँ पे आप VPH पावर को चेक कर सकते हैं। यदि हमारा VPH पावर यहाँ इस कैपेसिटर में बन रहा है तो हमें आगे जाके देखना है कि हमारा VPH पावर यहाँ पे बन रहा है तो आगे कौन से सेक्शन तक हमारा VPH पावर बन रहा है। तो यहाँ से सीधा का सीधा हमारा VPH पावर यहाँ पे बन रहा है। ये वाली हमारी एक IC लगी हुई है, इस IC पे VPH पावर यहाँ एक कैपेसिटर के थ्रू इनपुट हो रहा है। और दूसरा VPH है वो हमारा एक, ये हमारा 4G RF लगा हुआ है, यहाँ पे इस कैपेसिटर के थ्रू इस बॉल पे हमारा VPH पावर बन रहा है। तो यहाँ तक हमें VPH पावर को चेक करना है। तो यदि हमारा VPH पावर यहाँ से वापस हमारा ये एंटीना स्विचिंग का जो काम करता है, जो हमारा 3G और 2G का RF होता है, यहाँ पे एक कोयल लगाया हुआ है इस सेक्शन में, कोयल के थ्रू यहाँ पे दो तीन कैपेसिटर को पैरेलल में लगा के इनसे कनेक्ट किया हुआ है। तो यहाँ पे इस तरीके से VPH पावर किस किस सेक्शन में जा रहा है, तो ये हमारा VPH पावर है, यानी कि फोन को कनेक्ट करते ही ये हमारा VPH पावर बन जाएगा। और उसके बाद में जो हमारा दूसरा सेक्शन है, ये हमारा कौन सा, जो कि इस बॉल से जो हमारी पावर आईसी से जो वोल्टेज जनरेट हो रहा है, वीरेजिंग 1.8 यानी 1.8 की सप्लाई है, जो 1.8 की सप्लाई है वो देखोगे तो यहाँ पे जो यहाँ हमारा 1.8 यहाँ पे मिलना चाहिए हमें। और दूसरा 1.8 है ये वाला, ये भी यहाँ इस कैपेसिटर पे 1.8 मिलना चाहिए, जो वीरेजिंग की लाइन है, सॉरी जो कि एक एक लाइन को आपको ट्रेस करना है। इसमें देखना है कि कौन सा हमारा है, जो इनपुट कहाँ से इनपुट हो रहा है, कहाँ से आउटपुट हो रहा है। तो आप इस वीडियो को देखोगे तो पूरा सेक्शन समझ में आ जाएगा। यहाँ से जो हमारा एक कोयल के थ्रू एक जो दूसरा पावर यहाँ से निकल के इस कैपेसिटर और इस IC के थ्रू यहाँ से इनपुट हो रहा है VPH, लेकिन ये IC वापस से एक वोल्टेज को जनरेट कर रहा है, यानी कि ये वाला वोल्टेज हमारे यहाँ इस कैपेसिटर के थ्रू PMO को मिल रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे हमारा वोल्टेज मिलना चाहिए यहाँ पे हमें। उसके बाद यहाँ पे हमारा लगा हुआ है SDR। SDR IC भी क्या होता है कि SDR IC से यहाँ से एक पावर से एक वोल्टेज निकल रहा है 1.8 का वोल्टेज निकल रहा है। यहाँ पे देखिए 1.8 का वोल्टेज निकल रहा है। तो यहाँ पे जो हमारा लाइन है, यहाँ पे हमें 1.8 की लाइन को चेक करना है। यदि 1.8 का लाइन हमारा ओके है तो हमारा सेक्शन काम कर रहा है, यदि नहीं है तो हमें SDR को भी चेंज करना पड़ सकता है। यदि SDR हमारा काम नहीं कर रहा है तो ये सेक्शन यहाँ पे हमें वोल्टेज नहीं मिलेगा। जो दूसरा हमारा सेक्शन है, दूसरा वाला, यहाँ से एक वोल्टेज जनरेट आउटपुट हो रहा है यहाँ इस IC से 1.2, यानी कि 1.2 की सप्लाई है। यहाँ एक कैपेसिटर लगा हुआ है 1.2, यहाँ इस कैपेसिटर के थ्रू इस IC के इस बॉल पे हमें 1.2 की सप्लाई देखने को मिलती है। तो ये तो हमारा हो गया वोल्टेज। यदि ये वोल्टेज ओके है तो हमारा सेक्शन काम करेगा। यदि ये से ओके नहीं है तो कहीं से दिक्कत है, तो कहीं से आप जैसे मान लो कि ये वाला लाइन है, ये वाला, तो यहाँ से कोई लाइन ब्रेक हो चुका है तो यहाँ से सीधा जम्पर यहाँ इस IC की बॉल तक कर सकते हैं, या फिर कोई भी कहीं से लाइन मिसिंग है तो वहाँ तक आप जम्पर कर सकते हैं इजिली। यदि इसका कोई लाइन मिसिंग है 1.8 की लाइन,
यदि इस लाइन में यदि मिसिंग है तो आप इसको इस आईसी से ही जंपर कर सकते हैं, नहीं तो और कहीं से कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपको इस सेक्शन को समझ के पूरा करना है। और दूसरा जो मेन हमारा है कि इसकी वजह से हमारा सेक्शन कई बार काम नहीं करता है, यानी कि यदि एंटीना की लाइन, ये वाली एंटीना की लाइन यहाँ से ब्रेक हो जाए या फिर यहाँ से ब्रेक हो जाए, ये तो पैरेलल में लगे हुए हैं, लेकिन यहाँ से ब्रेक होने से हमारा सेक्शन काम नहीं करेगा। यदि ये आईसी हमारा ओपन हो गया तो भी हमारा सेक्शन काम नहीं करेगा। मेन इंपॉर्टेंट चीज यानी कि ये लगा हुआ है हमारा एक कपलर, यदि ये कपलर में भी कुछ प्रॉब्लम हो गया तो भी हमारा सेक्शन काम नहीं करेगा और बिल्कुल भी नेटवर्क शो नहीं करेगा। तो यहाँ पे एक एक चीज को आपको समझना है, यानी यहाँ तक ये लाइन ओके है या नहीं है। तो आप जो जीआर से चेक करोगे, जीआर या बजट रेंज में चेक करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये हमारा लाइन ओके है या नहीं है। यदि इस वीडियो में आपको कुछ सीखने को मिला है तो इस वीडियो को जरूर कमेंट करें और वीडियो को लाइक करें, ताकि और भी मैं कई वीडियो ऐसे आपको नॉर्मली इजीली समझा सकूं। तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं इस वीडियो को शॉर्ट ही करूँगा। और जो हमारा एक मेन इंपॉर्टेंट चीज बता देता हूँ आपको, यहाँ पे देखिए जो एक आईसी लगी हुई है, ये हमारा एक बैंड है, एक बैंड नेटवर्क बैंड है, यानी ये बैंड की तरह काम करता है। यदि इसमें भी कुछ प्रॉब्लम हो जाएगा तो हमारा कोई ना कोई नेटवर्क दिक्कत करेगा और वो काम नहीं करेगा, क्योंकि जो ये लाइनें हैं सभी की सभी ये लाइनें दे रखी हैं, ये इनका कुछ ना कुछ काम होता है। कोई किसी आईसी को परमिशन का काम कर रहा है, परमिशन दे रहा है, तो किसी कोई आईसी को जो वोल्टेज जनरेट करने के लिए परमिशन दे रहा है, किसी को सिग्नल के लिए जैसे एक एक लाइन को आपको समझोगे तो आपका इजली ही ये नेटवर्क सेक्शन बन जाएगा। थैंक यू। तो मिलने वाला आपको नेक्स्ट वीडियो में।